ट्रैफिक सिग्नल और ओए लक्की जैसी फिल्मों में एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने बेहतरीन काम किया है। वैसे नीतू चंद्रा ने अब फिल्मों से दूरी बना ली है, लेकिन सामाजिक मुद्दों और फिल्मों से जुड़े टिप्पणियों पर वो अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। और हाल ही में नीतू चंद्रा ने एक्टर आर माधवन के एक कमेंट का खुलकर जवाब दिया है। दरअसल हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान नीतू चंद्रा ने पिछले दिनों अभिनेता आर माधवन द्वारा की गई एक टिप्पणी को याद किया, जब आर माधवन ने तनु वेड्स मनु में मुख्य भूमिका के लिए कंगना की सिफारिश करने का दावा किया था। नीतू ने बताया कि मैं माधवन के बारे में बात कर रही हूं, जिन्होंने कहा था कि तनु वेड्स मनु के लिए किसी और अभिनेत्री को साइन किया गया था, लेकिन मैंने कंगना के नाम की सिफारिश की थी। दरअसल वो अभिनेत्री मैं ही थी जिसने कंगना से पहले तनु वेड्स मनु फिल्म साइन किया था। नीतू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बताया कि इस तरह की चीजें मेरे साथ होती ही रहती है। मैं बीते समय में पिछले 6 फिल्मों से बाहर हो चुकी हूँ। कोई भी मेरा फोन नहीं उठाता और ना ही कॉल बैक करता है, लेकिन यही संघर्ष है और यही सब है जिससे धीरे धीरे मैं चीजें सीख रही हूँ। और किसी भी कारणवश अगर निर्देशक को लगता है कि हीरो किसी और की सिफारिश कर रहा है, तो मैं इस समय इस परिस्थिति में नहीं रहती हूँ कि मैं अपने लिए लड़ सकूँ। उस वक्त मैं हेल्पलेस हो जाती हूँ। नीतू ने इसे नियति तक कह डाला और कहा कि वो किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रखती है। वेल, बाद में तनु वेड्स मनु का एक सीक्वल बनाया गया, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी और कंगना को ए लिस्ट में शामिल किया गया।